हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है एंजाइम्स की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। जो सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। आप देख रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे होंगे, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स, जो आप देख रहे हैं सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, जो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन से एंजाइम्स बने हैं, इसलिए जिनको प्रोटीन बोलेंगे। अब प्रोटीन तो अलग है, तो प्रोटीन थोड़ी ना इसको एंजाइम बोलें, तो प्रोटीन एंजाइम नहीं है, प्रोटीन एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणु भार वाले अणु हैं। किसके हैं, ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्या है, हाई जो आपका क्या है, वेट है, मॉलिकुलर वेट है, तो उच्च अणु भार वाले अणु हैं। कौन है, ग्लोबुलर एंजाइम्स, ग्लोबुलर प्रोटीन। इनका अणु भार कितना है, 21,000, 10,000, 20,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक होता है। तो इनके प्रत्येक अणु पर सक्रिय स्थल पाया जाता है, सक्रिय मतलब बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। तो जिनके कारण अणु उत्प्रेरक करता है, उत्प्रेरण करता है। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम। ये एंजाइम्स केवल ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है तो आपकी ब्लड में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जो ब्लड होती है, रक्त होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे आपके एमाइलेज है, प्रोटीएस, यूरेस है, इस प्रकार से क्या है, इसकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं जटिल संरचना वाले समयुग्मी प्रोटीन एंजाइम, कॉम्प्लेक्स या जटिल हो जाएगा, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम, संयुक्त या असंयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन या होलो एंजाइम में पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त। इसमें देख रहे हैं संयुक्त या बोलेंगे या संयुग्मी प्रोटीन होलो एंजाइम में पेप्टाइड बॉन्ड होता है श्रृंखला में, कि अतिरिक्त अप्रोटीन, कुछ प्रोटीन होती है, कुछ अप्रोटीन, अप्रोटीन को क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटीन बोलेंगे, भाग भी लेती है, कुछ प्रोटीन भाग लेती है, कुछ नॉन प्रोटीन भाग लेती है। अतः संयुक्त एंजाइम दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा क्या, प्रोटीन भाग, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। दूसरा आपका अप्रोटीन, ये प्रोटीन भाग हो गया, ये अप्रोटीन भाग हो जाएगा। सहकारक या कोफैक्टर, तो सहकारक को इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो सहकारक है, ये वाला सहकारक है, वो तीन प्रकार से होता है, कोएंजाइम, सहएंजाइम या प्रोथेटिक समूह या प्रोथेटिक ग्रुप तथा धात्विक आयन। इस प्रकार तीन प्रकार से हो जाएगा, एक दो और आपका ये तीन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एपो एंजाइम तथा कोएंजाइम में अंतर। तो एपो एंजाइम कहाँ है, एपो एंजाइम आपका ये है, ये प्रोटीन भाग हो जाए, ये एपो एंजाइम, और दूसरा क्या है, कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम कहाँ पे, आपका कोएंजाइम आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका कोएंजाइम आपका यहाँ पे है और एपो एंजाइम यहाँ पे है। तो जी आपका प्रोटीन भाग हो जाएगा, जी आपका क्या सर, जी अप्रोटीन भाग हो जाएगा कोएंजाइम। तो इसमें क्या अंतर है, समयुग्मी एंजाइम का प्रोटीन घटक है। समयुग्मी क्या है, आपका जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसका क्या है, उसका घटक है। लेकिन इसमें देख रहे हैं संयुग्मी एंजाइम का प्रोटीन कार्बनिक घटक है। कैसा है, कार्बनिक घटक है, जो एपो एंजाइम से जुड़कर होलो एंजाइम बनाता है। किससे बनाएगा, होलो एंजाइम बनाएगा। दूसरा है प्रत्येक एपो एंजाइम प्रत्येक संयुग्मी एंजाइम के लिए विशिष्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया में भाग लेते हैं। तो संयुग्मी एंजाइम के साथ एक ही एक कोएंजाइम कार्य करता है, जो एक एंजाइम होगा कोएंजाइम के साथ क्या करेगा, वर्क करेगा। तीसरा है एपो एंजाइम एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया में भाग लेते हैं, जो एपो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। एपो एंजाइम सब्सट्रेट तथा एपो एंजाइम के बीच संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से आप इसमें एक नंबर एक नोट कर लेना, एपो एंजाइम थर्मोलिवाइल होते हैं, तो कोएंजाइम पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता। इसमें आप चार इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।